एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं तैयार हो रही हूँ, अपनी कंघी वंगी करूंगी, बिंदी बिंदी लगाऊंगी और मांग में सिंदूर लगाऊंगी। आजकल मैं सूखे वाला नहीं लगाती क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सूखे वाले सिंदूर से ना बाल वो होते हैं, तो यहाँ से मेरे बाल हुए हैं बहुत ज्यादा, खाली खाली हो गया है गंजापन। तो बस मैं तैयार हो रही हूँ इस सूट के साथ का, मैंने वो निकाल लिया शॉल, और ये इन्हीं के साथ जाऊंगी मैं। बच्चे दोनों जो है क्लास अटेंड करेंगे, यहाँ रह लेंगे या बाला हबी के पास चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। मैं पूछ लूंगी जैसे भी इनको करना होगा। मैं काफी टाइम से नहीं गई पार्लर, तीज करवे पे गई थी, वो अपनी बहन के यहाँ गई थी इन बच्चों को लेकर। आज भी मैं उसके यहाँ चली जाती, लेकिन हुआ क्या कि मुझे विकास नगर और भी काम है। मुझे जैसे कि शादी में जा रही हूँ तो उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ चाहिए, ज्वेलरी तो है और चूड़ियाँ चाहिए, बिंदी बिंदी देखूंगी, और एक लिप शेड लेने का मन कर रहा है पर्पल कलर का, पिंक कलर का है तो मैंने कहा पर्पल कलर का लेती हूँ मैं। और मेरे पास ना सैंडल भी नहीं है तो मैं सैंडल भी लूंगी, बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास सैंडल। थे जब से गुड्डू का पैर मेरे पैर के बराबर हुआ है तो वो छोड़ती नहीं है, वो जो है मेरे पहन लेती है, तो इस वजह से मेरे सैंडल नहीं है। मैं लेकर आऊंगी, हालांकि मुझे पता है वो भी गुड्डू पहन लेगी, खराब कर देगी, लेकिन चलता है। तो दो जोड़ी लाऊंगी, बल्कि मैं एक जोड़ी जुतियां लाऊंगी, सर्दियां चल रही हैं, और एक जोड़ी जो है सैंडल टाइप्स लाऊंगी कुछ। तो देखते हैं क्या लाती हूँ, क्या करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। पार्लर तो जा ही रही हूँ, कटिंग करानी है मेन, और कटिंग का ये है कि अभी मन वो हो रहा है कि कराऊं ना कराऊं, कराऊं ना कराऊं, ये चल रहा है। विपिन कुछ नहीं बोलते हैं कभी भी, जब शुरू से करा रही हूं मैं, बस यही दो तीन साल ऐसे निकले कि मैंने नहीं कराई, पूरे तीन साल हो गए। 2017 में कराई थी नवंबर के लास्ट में, तब से नहीं कराई मैंने। हल्की सी क्रीम लगा लेती हूँ चेहरे पर। जहां तक है मैं शायद फेशियल करा सकती हूँ आज, काफी टाइम हो गया है फेशियल, देखती हूँ कराया तो फेशियल कराए हुए तो काम के नहीं। यार फेशियल मेरी बहन आई थी तब घर पे हुआ था, साल भर नहीं हुआ, वो घर पे हुआ है ना तो इसलिए मेरे दिमाग से ही निकल जाता है कि कब कराया था, दो साल पहले, तो उससे कराया था फेशियल। अब बस ये भी आ रहे हैं नहा के, हाथों पे क्रीम लगाते हैं, फटाफट चलते हैं फिर। बिठाओ मेरे बालों पे, करो मैं लास्ट बार देख लूं इतने बड़े बड़े, क्योंकि अब मैं वैसे ही करा के आ रही हूँ जैसे तीन साल पहले कराए थे ना। पूरे बाल दिखाना, मैं बाद में देखूंगी एडिटिंग करते वक्त, पता चला बाद में रोऊं भी ना एडिटिंग करते वक्त। हाँ यार ज्यादा मत कटाइए, दिखाओ कितने हो रहे, बहुत बहुत रहे, लंबे बहुत हो रहे, क्यों कर रहा है इन्हें ऐसे। मुंह क्यों बना रखा है? किसने? आपने, ये पीछे रख देना, मुंह बना रखा है, ये मास्क मास्क मुंह बना रखा है, ये बना रखा है, इससे ना आवाज फिर खड़खड़ खड़खड़ आती है। एक मिनट आप भी बंद कर दो। तो जा रही हूँ मार्केट, रास्ते में हूँ, और बाल शाल कटवाएंगे अपने, कटिंग कराएंगे, इतने इतने करा लूंगी। हाँ इतने इतने करा लूंगी, दिमाग खराब हो गया जैसे एक बार कराए थे ना। ऐसी ना बन गाजी है यहाँ और कैसे बंद किया हूँ यार, मेरा भी तो मन करता है, तुम भी तो हर हफ्ते कटिंग कराने जाते हो, हर पांचवे दिन कटिंग कराने निकल लेते हो। मैं करा लूं, मैंने कहा है तुम कटिंग कराओ, मत कराओ, नहीं फिर चलो वापस, नहीं करानी तो कटिंग। कटिंग का क्या मतलब यार, मेरा भी तो मन है कुछ, इतने टाइम हो गए लंबे लंबे बाल का, थोड़े थोड़े कटा दिए, कोई बात तुम ये देखो ना, पहले तो कराती रहती थी, अब तो फिर भी तीन चार साल हो गए, अब देखिए इतने लंबे लंबे हो गए, कोई बात नहीं फिर हो जाएंगे, घर की खेती है, फिर हो जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ कराने के लिए कटिंग, मैं इतने इतने करा लूँ, इतने इतने कराऊंगी, इतने इतने देखते
है, कोई कटिंग कराएंगे, उस कटिंग में कितने होते हैं, भंडारा चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं देखो उधर तक, मेरे भाई की शादी वाले फोटो जब देखे थे उसमें तो मेरे बिल्कुल यहाँ तक के थे, स्टेप कटिंग थी लेकिन बहुत छोटे बालों पे कराई थी। तो देखो मन तो करता ही है ना चेंज करने का, तो मैं चेंज कर रही हूँ। तो मैं चेंज कर रही हूँ, तो कर रही हूँ, आप भी कर लो। लंबे करोगे? कर लो। आपकी शादी के टाइम पे लंबे थे? जब इन्होंने शादी की थी ना, ये मतलब मुझसे शादी की थी, तो ये लंबे लंबे बाल थे और स्ट्रेट कराए हुए थे क्योंकि इनके कर्ली हैं बाल। तो देखते हैं भाई, आप लोग भी देखिए, आप लोगों में से भी बहुत लोग जो हैं वो नहीं चाहते मैं कटिंग कराऊं, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत मन करता ही है कि हम ऐसे करें वैसे करें। तो मेरा मन काफी टाइम से कर रहा है, 2-4 महीनों से, तो फिर बस मैंने कहा चलो करा लेते हैं। मन की भी सुननी चाहिए, जिंदगी एक बार मिली है तो अपने मन की भी करनी चाहिए। हाँ, औरत का जो गहना होता है वो बाल ही होते हैं, औरत की खूबसूरती बाल ही होते हैं। तो देखते हैं भाई, अभी मैं कह नहीं सकती कि मैं कराऊंगी ही, पार्लर में जाने के बाद पता चलेगा। वो ना ठाले ये कुछ कुछ ये बालों का, वो बालों का शैम्पू वैम्पू लाऊंगी ना। सबसे पहले मैंने फेशियल वगैरह कराया था आने के बाद। और जब आप पार्लर जाते हो और आपने फेशियल कराना हो तो आप समझ लीजिए कि आपके 3 घंटे कहीं नहीं गए, फिर प्लस मेरे को वो भी करानी है कटिंग जो कि अभी चल रही है, तो 1 घंटा मान लो इसमें, क्योंकि सर भी धुला है और कटिंग भी हुई है, तो मेरे 4-5, 4-4.5 घंटे पार्लर में ही चले गए। थोड़ी सी बोरियत आती है लेकिन रिलैक्स फील होता है, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। देखिए ज़िंदगी चलती रहती है, काम चलते रहते हैं, बिज़ी सभी होते हैं, लेकिन इस बिज़ी शेड्यूल में से अपने लिए कुछ घंटे निकालना चाहिए। हर महीने नहीं, हर 2 महीने में नहीं, हर साल में 2 बार तो कम से कम। तो बस आज मैंने अपने लिए खूब टाइम निकाला और पार्लर में बैठी हूँ, आराम से रिलैक्स कर रही हूँ। कटिंग शटिंग कराई है, फेशियल कराया है, तो कटिंग जो है मेरी लगभग हो चुकी है। तो भैया थोड़ा बाल ड्रायर वगैरह कर रहे हैं और अच्छे से करते हैं, भैया की कटिंग वगैरह फेमस भी है, बहुत सारे लोग यहाँ से देख रहे होंगे, उनको जानते ही हैं। गजीबो पार्लर में हूँ मैं और यहाँ पे जो है ना मैंने थ्रेडिंग कराई थी, तो थ्रेडिंग कराने के बाद ना मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे एकदम से खारिश होती है और स्वेलिंग आती है और बहुत सारे दाने हो जाते हैं। लेकिन इनके पार्लर में मैं इसीलिए जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद मुझे दाने बहुत ही कम होते हैं, मतलब सिर्फ थोड़े बहुत होते हैं जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। और अगर मैं कहीं और करा लूँ फिर तो ये लगा लो कि मेरा पूरा माथा छप जाता है, थ्रेडिंग के आसपास का एरिया पूरा छप जाता है, बहुत हो जाते हैं। लेकिन इनके पार्लर में बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर। तो भैया ने ना एक मशीन से थोड़ा ठीक कर दिया था जिससे मतलब मुझे खुजली वगैरह ना हो, इचिंग ना हो। तो देखिए मेरे बाल जो है कैसे लग रहे हैं बताना। आगे फ्रंट हेयर के भी मैंने 2-4 भैया ने लटे वटे जो है काट दी हैं, पर आगे से मैंने बोला था ना भैया थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए, तो उन्होंने जो है कर दिया है। देख लो अब आप लोग कैसा लग रहा है बता देना। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाकी की ख़रीदारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने लिए देख रही हूँ सैंडल और जूतियाँ जो मैंने लेनी है। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन उन्होंने दिखाए थे, वर्क वाली भी दिखाई थी और सिंपल में भी दिखाई थी। मुझे वर्क वाली पसंद ही नहीं आई तो मैंने कहा भैया ये तो दिखाओ ही मत, आप मुझे सिंपल दिखा दो। तो मैं सिंपल में ये सोची थी कौन सी लूँ, सारी अच्छी लग रही थी और फिर मैंने जो है जो ली है वो आपको घर जाकर दिखाऊंगी। उसके बाद मैं यहीं पे वो वाली देख रही हूँ हील वाले, तो उसमें भी जो है इतने सारे देखने के बाद कंफ्यूज सा हो जाता है बंदा। और इन वाली सैंडल में ना एक प्रॉब्लम आती है, चुपटियाँ पहनी होती हैं तो वो चुभती हैं
और चप्पल वगैरह हो गई है, जूतियाँ हो गई हैं, पार्लर का काम हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ पर्स लेने के लिए। तो बस यहाँ से पर्स लूँगी। पर्स लेने में ये हो रहा था, जो जैसा मुझे चाहिए ना मुझे वो दिखा नहीं यहाँ पे, आप लोग बताना मुझे तो दिखानी, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जब अपने लिए कुछ लेने जाते हैं ना तो चीज़ समझ में नहीं आती है, जब कभी ऐसे ही जाते हैं दूसरे के साथ या वो चीज़ नहीं लेनी होती है तब वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे मैं आई थी करवा चौथ के टाइम पे, तब यहाँ पे पर्स अच्छे लग रहे थे, आज मैं अपने लिए लेने आई हूँ तो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो चलो फिर भी लेना तो है ही, तो जो पर्स लिया है या जो चप्पल लिए हैं, जो थोड़ा बहुत सामान लिया है वो तो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैं फ़िलहाल तो छांट रही थी भाई कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, अभी इन्होंने दिखाना शुरू ही किया था तो अब निकल चुके हैं घर की तरफ। थोड़ा सा इतरा रही हूँ, देखो इतराना बनता ही है ना, इतना टाइम दिया है पार्लर में और कटिंग शटिंग भी कराई है थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो आप लोगों को महसूस नहीं दे रही होगी, मुझे खुद नहीं दे रही है ज़्यादा, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। तो मैं घर आ चुकी हूँ, मुझे 1 घंटा हो गया घर आए हुए, चेंज वगैरह किया नाना, तो आप लोग समझ सकते हो सर्दियों में ना, और कुछ खाया नहीं था, कुछ खाया पिया सुबह से ऐसे ही थी मैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सामान लाई हूँ खरीद के, एक बहुत जरूरी चीज मैं भूल गई, लिपस्टिक लाना। और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं, कल भी टेस्ट है, तो एक तो मैं ये लेके आई हूँ, ये जूतियाँ अपने लिए, जो कि मेरे पास काफी टाइम से थी नहीं, खत्म हो गई थी, तो एक जोड़ी मैं ये लाई हूँ सिंपल वाली। कैसी लगी बताना मुझे, यही अच्छी लगी, काफी सारी देखी वहां पे, ये ठीक लग रही थी मुझे सिंपल सी। और चप्पल भी नहीं है मेरे पास जैसा कि, तो मैं चप्पल भी लेके आई हूँ अपने लिए, चप्पल मतलब ये भी है कुछ कुछ वैली वैली टाइप की है ये सैंडल में, मुझे नहीं पता भाई ज़्यादा ना इन सारी चीज़ों के बारे में ना, मैं इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ तो बहुत बार मैं इसीलिए बहुत सारी चीज़ें गलत बोल देती हूँ। तो ये है, ये इस कलर में लेके आई हूँ, येलो कलर भी था, लेकिन वही है ना हर बार आपने येलो ड्रेस के साथ तो पहनना नहीं है, कभी कुछ होता है, और इसमें इतनी हील है जो कि बहुत ज़्यादा है, मैं इतनी हील नहीं पहनती हूँ, पर एक दिन के लिए काम चला लेंगे, तो मैं ये लेके आई हूँ। और ये इसका दूसरा है, और मैं एक चीज और लाई हूँ, एक चीज मैं लाई हूँ, ये मेरा खराब हो रहा था पर्स, मैंने हापुड़ से लिया था, लेकिन वही है ना महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। ये मेरा पर्स आप जानते ही हैं कब से जो है मेरे पास है, और सेम सेम हो गया है, सेम सेम हो गया है ये और ये, पर मुझे यही अच्छा लगा, इसमें ब्लैक कलर भी था, इसमें और भी कलर था, मैट में भी आने लगा है, लेकिन मुझे यही ठीक लगा तो मैंने यही लिया, ये मेरा बाहर ही रखा है जब से मैं आई हूँ, तो मुझे ये वाला ठीक लगा। आपको कौन सा ठीक लगा बताना, मतलब आपको कैसे पता कौन सा ठीक लगा, तो आपको तो मैं यही दिखा रही हूँ, तो मुझे यही वाला ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ कुछ सेम है, वो वाला थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, और बस सिंपल सा है, हाथ में पकड़ने वाला है, आराम से यूज कर लेंगे इसको, कहीं जाना वाना होगा। और भी थे चेन वीन वाले भी थे, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे यही ठीक लगा तो मैंने यही लिया। तो बस ये 3 चीजें हैं, मुझे अपने लिए लिप शेड लेना था पर्पल कलर का, सोच के भी गई थी और मैं बोल के भी गई थी, गेट बंद कर दिया लेकिन मैं भूल गई एंड टाइम पे, कर ले देंगी क्यों गंदा हो रहा। गुड्डू ये तुमने निकाल दिया क्या, तोड़ दिया क्या, ये फिर तो कैसे डालते हैं ये, मुझे लग रहा है इन्होंने चप्पल के साथ कुछ छेड़ा खाने के, मैं चेक कर लेती हूँ और आप लोगों को बाय बाय कर देती हूँ। नहीं ये निकल ऐसी वो है, दिखा जरा देखो, ऐसे ऐसे ये भी ये निकल जाता है, अच्छा अच्छा चलो चलो भाई फिर हम इस वीडियो का यही एंड कर देते हैं। कटिंग वगैरह मैंने करवाई तो है, लेकिन इतनी छोटे छोटे बाल नहीं कराए मैंने, क्योंकि भैया भी बोल रहे थे कि ज्यादा मतलब ज्यादा लंबे बोल रही हूँ, स्ट्रेट बालों पर कटिंग ज्यादा दिखती नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने इसी का, और मैंने आके ना सिंदूर लगाया फेस वॉश करके, साबुन से तो भी नहीं धोया क्योंकि फेशियल कराया मैंने, फेशियल वगैरह की रिकॉर्डिंग करी भी जाती है क्योंकि बड़ा अजीब लगता है, और बस मैं फिर जो है कटिंग कराई वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करा करवाया थोड़ा सा, और थ्रेडिंग वगैरह करा ली है, बस यही कराया मैंने, फेशियल कटिंग
सर एक बार धुलवाना पड़ा वहां पे, क्योंकि जब फेशियल कराते हैं ना तो पूरे जो फेस पे लगाते हैं वो लोग, फेस पैक वगैरह सारा बालों में जाता है, वो घर पे भी जाता है। और एक तेल लेकर आई हूं मैं, दिखाइयो गुड्डू जरा वो तेल, तेल लेकर आई हूं। वो भैया बोल रहे थे कि 100% असर करता है, तो भैया के 100% बोलने पर मैंने ले लिया। बाकी वैसे वो भैया झूठ वूट नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम काफी टाइम से उनके पास जा रहे हैं, उसी पार्लर में जा रहे हैं, तो देखते हैं ये तेल असर करता है कि नहीं करता है, बालों को टूटने से रोकता है कि, क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे हैं आजकल, बहुत हल्के हो गए हैं, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये वाला। अभी पैक है, बहुत बुरी तरीके से मैलो करके है नाम इसका, मैलो का है ये नाम। देखती हूँ मैं यूज करती हूँ, अगर अच्छा होता है तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। पहले मैं यूज कर लूँ इसको 5-6 बार, फिर बताऊंगी। चलो भाई फिर दीजिए मुझे इजाजत, कल मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी बनाने का भी सोचना है, शायद मैं मटर वाली खिचड़ी बनाऊं, मटर पुलाव, और कुछ तो वो है नहीं इस टाइम, बनाने का मन नहीं है, कुछ भी नहीं किया, थका थका सा हो रहा है। चलिए फिर बाय बाय।